चिप्स पार्टी से लेके हर प्रोग्राम में खाया जाता है। इस चिप्स को मैंने घर पर बनाया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चिप्स कैसे बनता है, तो चलिए हमारे साथ देखिए कैसे बनता है। नमस्कार, स्वाद सेहत और बागवानी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिप्स, आलू के चिप्स। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए हमें 4 आलू चाहिए मीडियम साइज के, हमें काली मिर्च चाहिए और नमक चाहिए। तो हम सबसे पहले आलू को छील के ले लेंगे। आलू को मैंने धो के ले लिया है, अब इसके ऊपर से हम छिलका निकाल देंगे। ये नॉर्मल भाजी वाला ही आलू है सब, जिससे हम भाजी बनाते हैं। इन आलू को हम छील लेते हैं अच्छे से। इसी तरह हम दूसरी आलू और सारे आलुओं को छील लेंगे। सारे आलुओं को हमने छील लिया है, अब हम इसको चिप्स काटेंगे। ये देखिए, हमें बाउल में पानी लेना है, पानी के अंदर हमें चिप्स को काटना है। चिप्स को संभाल के काटें, जिससे हाथ न कटे। सारे आलुओं को मैंने अब काट लिया है, अब इसको हम 20-25 मिनट के लिए पानी में भिगो के ढक के रख देंगे। उसके बाद हम चिप्स 20 मिनट बीत चुके हैं, हमारे आलुओं से स्टार्च सब निकल गया है। ये हमें इसके स्टार्च को ही निकालना था, तो इस ढंग से हम इसको मल के अच्छे से निकालेंगे एक बर्तन में, जिससे इसके सारे पानी निकल जाए। अब इन आलुओं को हमें एक बर्तन में निकाल के अच्छे से पोंछ के सुखाना होगा। पोंछ, हम सबसे पहले इसको एक एक आलू पोंछ लेते हैं। इस ढंग से सब आलुओं को हम पोंछेंगे और मार्केट जैसा एकदम क्रिस्पी चिप्स हम बना के आपको दिखाएंगे। पानी निकाल दिया है, अब इसको हम कुछ देर के लिए फैन के नीचे रखेंगे, जिससे कि हमारे ये आलू अच्छे से सूख जाए। जब ये सूख जाएगा तो हम इसको फ्राई करेंगे। तेल हमारा अब गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक करके चिप्स ऐड करेंगे। साथ में नहीं डालना है, हमें एक एक करके डालना है इस ढंग से। अब हम फ्लेम को मीडियम से कम कर देंगे। चिप्स हम पलट लेंगे। अभी हमें फ्लेम ज्यादा तेज नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे चिप्स जल जाएंगे। हमें मीडियम से थोड़ा कम ही चाहिए, मतलब एक बार का चिप्स निकालने के लिए 5-6 मिनट हमें लगना चाहिए, तब हमारे चिप्स क्रिस्पी बनेंगे। इसको हम ऐसे पलटते रहेंगे जिससे जले ना। ज़्यादा फ्लेम करने पर चिप्स नरम पड़ जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। ये क्रिस्पी हुआ कि नहीं, एक चिप्स को ऐसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए आवाज़, हमारे चिप्स अब बन गए हैं। अब हम इसको बर्तन में निकालेंगे। इसका हम एक्सेस जो तेल है उसको निकाल देंगे। तेल अभी हमारा गर्म है, लेकिन अब हम इसको मीडियम से थोड़ा कम करेंगे। निकाल रहे हैं, फिर हम इसको ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए, चिप्स परफेक्ट बन गया है, इसमें से आवाज आई क्रंची। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसे आप नैपकिन पर मत निकालिएगा, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसे हम बर्तन में ही निकालेंगे। तब तक हम फ्लेम को तेज करते हैं, जिससे हमारा तेल वापस से गर्म हो जाए। तेल में हम चिप्स वापस डाल रहे हैं। तेल अभी हमारा गर्म है,
इस ढंग से एक एक करके सब चीज डालेंगे। हमें साथ में दो चार चीज लेके हाथ में नहीं डालना है, हमें एक एक करके चीज को तेल में, ये चीज मीडियम से कम आंच पर मैं इसको पका रही हूँ। ये देखिए, लेकिन ये एकदम क्रिस्पी होगा क्योंकि मैं इसको मीडियम से स्लो आंच पर पका रही हूँ, हमें मीडियम भी नहीं रखना है। चिप्स को हम निकाल लेते हैं, हमारा चिप्स अब पक गया है बिल्कुल। ऐसी फूली फूली चिप्स किसी ने नहीं बनाया होगा, इतना क्रिस्पी फूली फूली आप देख सकते हैं आपके सामने है सब। मैं इसको निकाल रही हूँ, इस ढंग से हम सारे चिप्स को बना लेंगे। तेल को हम गरम रखेंगे, डालते चिप्स डालते समय हम तेल गरम रखेंगे। हमने चिप्स को बाहर निकाल लिया, एक्सेस तेल हमारा सब नीचे प्लेट में आ गया जो आना था। अब हम इसको दूसरे बर्तन में लेंगे, चिप्स को इस बर्तन में, इसके आवाज से ही आप देख लेंगे कितना ही क्रिस्पी बना है। इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च छिड़केंगे, उसके बाद आप इसमें नमक डालिए, अच्छे से आप इसको मिक्स करिए। और आप जरूर इस ढंग से अपने घर पर बनाइए और अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर करिए। देख सकते हैं, ये देखिए चिप्स, आवाज देखिए, ये मेरी फूली हुई चिप्स है पानीपुरी की तरह, ये देखिए, तो इतनी ही क्रिस्पी बनती है। इस ढंग से आप सारे चिप्स को बना लीजिए और एक कंटेनर में भर करके रख दीजिए। आपका चिप्स बिल्कुल भी नरम नहीं होगा, आप जब तक चाहें तब तक उसको रख के खा सकते हैं। आप इस ढंग से बनाएं, खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका चिप्स। मेरा वीडियो आपको ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।